तो आईपीएल 2022 में दो नई टीमों की तो एंट्री हो चुकी है, लेकिन ये जो मेला लगेगा ना अगले साल आईपीएल का, इसमें भाई कप्तानी कौन करेगा दो नई टीमों की? तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि लखनऊ और अहमदाबाद का कप्तान कौन रहने वाला है। इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों अहमदाबाद और लखनऊ, इन दोनों टीम में से आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स पे सब अपनी राय जरूर दीजिए। और इन दोनों ही टीमों के लिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, नीचे सपोर्ट दिखाइए, लाइक का बटन नीचे फ्री में लाइक हो जाता है, तो ऐतिहासिक पल के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए पहले खिलाड़ी जो कि कप्तानी की दावेदारी कर रहे हैं और इन दोनों टीमों में से किसी न किसी एक टीम के तो ये जरूर कप्तान बनेंगे, वो है केएल राहुल। भाई जैसे ही ये 2021 का आईपीएल खत्म हुआ था ना, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ही खत्म हुआ उसके अगले ही दिन केएल राहुल ने ऐलान कर दिया कि वो पंजाब की टीम छोड़ रहे हैं। वो क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो ज्यादा पैसों में किसी टीम में प्री पिक हो जाए, और जो प्री पिक होगी वो या तो अहमदाबाद की टीम करेगी, नई टीम में प्री पिक करती है, या फिर लखनऊ की टीम करेगी। और ये यहां से एक तरह से दरवाजा पूरी तरीके से खुल गया कि केएल राहुल की जो एंट्री होगी ना, जो कि इस समय पंजाब किंग्स के कप्तान रह चुके हैं, अनुभव भी है इनके पास कप्तानी का, इंडियन प्लेयर की हैसियत से बहुत बड़ा ब्रांड भी बन चुके हैं, या तो लखनऊ के कप्तान होंगे ना भाई, या फिर अहमदाबाद के कप्तान होंगे। इनके आंकड़े भी आप देख पा रहे होंगे, बताइए किसके होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे खिलाड़ी जो कि दावेदारी कर रहे हैं कप्तानी की, वो है भाई डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर के साथ जिस तरह का बर्ताव एसआरएच की टीम में हुआ था, जिस तरह से इनको बिठाया गया, उसके बाद वो खुद जाकर ऑडियंस में बैठ गए, चीयर करने लगे, उसके बाद वो खुद लड़कर गए, ये सारी चीजें बताती है कि अब इनका पत्ता तो कट चुका है। और ये भी हमें पता है कि ये भी प्रीपिक ही होंगे, नीलामी की तरफ ये भी जाने वाले हैं, और नीलामी में इनको जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि नीलामी से पहले जो प्रीपिक ड्राफ्ट प्रक्रिया होगी उसमें इन दोनों टीमों में से कोई ना कोई एक इन्हें उठा लेगा और कप्तान बना देगा। क्योंकि आपको यह भूलना नहीं चाहिए दोस्तों कि 2016 में आईपीएल में एसआरएच जीती थी और उसके कप्तान कौन थे? उसके कप्तान डेविड वार्नर थे। भाई एक दो साल खराब फॉर्म कुछ नहीं होता, मेरे हिसाब से तो वार्नर बनने वाले हैं किसी न किसी एक टीम के कप्तान, और अहमदाबाद के चांसेस ज्यादा है, शायद लखनऊ इंडियंस के पीछे जाए, अहमदाबाद विदेशियों ने खरीदी है तो शायद वो विदेशी कप्तान की तरफ जाए। आगे बढ़ते हैं, तीसरे खिलाड़ी जो कि कप्तान बन सकते हैं वो है क्रॉन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड इस लिस्ट में नाम बना ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रिटेंशन के नियम है, कायरन पोलार्ड का रिटेन हो पाना एक नामुमकिन की तरह स्थिति बनेगी। रिसेंटली दोस्तों हमने देखा कि जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें भी कायरन पोलार्ड इस समय वेस्टइंडीज की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और इनके इंटरनेशनल कप्तानी का आंकड़े भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुंबई की तरफ से भी इन्होंने कप्तानी की है। अब अगर ये रिटेन नहीं होता है, जिनके चांसेस वेरी हाई, तो फिर ये किसी न किसी नई टीम के कप्तान होंगे। आपको समझना होगा कि कप्तान की कमी है, दुनिया में इतने कप्तान है नहीं, कप्तान की कमी है, और मोस्टली हमें सारी टीमों के बन चुके हैं, तो किसके पीछे जाएगी टीम है? इनके पीछे जाएगी, नंबर तीन पर। दोस्तों चौथे खिलाड़ी जो कि इस समय सबसे बड़ी दावेदारी कर रहे हैं नई टीमों की कैप्टेंसी की दौड़ में, सबसे आगे भाग सकते हैं, वो है भाई श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर को मैंने नंबर चार पर कौन क्यों रखा है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों इस समय दिल्ली की स्थिति यह है कि दिल्ली के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है कि भाई किस खिलाड़ी को रिटेन करें, किस खिलाड़ी को छोड़े, क्योंकि खिलाड़ी इंडियन प्लेयर्स के लिए बस बर्बाद। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यहां पर यह है कि श्रेयस अय्यर को हमने पिछले साल तक कप्तानी करते हुए देखा है, एक अच्छी कप्तानी करते हुए देखा है, बेहतर कप्तान हमें देखे हैं एज कंपेयर टू ऋषभ पंत, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की टीम ऋषभ पंत के पीछे जा चुकी है। तो यहां से सिद्ध हो जाता है कि रिटेन होना थोड़ा सा मुश्किल श्रेयस अय्यर के लिए होगा। तो एक कंडीशंस है, ये कप्तान बहुत अच्छे हैं, आंकड़े बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनसे बेहतर शायद भविष्य के लिए हमें विकल्प नहीं मिल सकता, लेकिन स्टिल अगर ये रिलीज होंगे तो ही ये नई टीमों के कप्तान बनेंगे, अदरवाइज भाई आप भूल जाइए कि ये कप्तान बन पाएंगे, अदरवाइज फिर ये दिल्ली में ही खेल रहे होंगे, तो इनके साथ कंडीशंस है इसलिए ये नंबर चार पर है। तो अभी तक टॉप थ्री ही ज्यादा चांसेस रखते हैं, लेकिन नंबर पांच पर कौन है भाई? नंबर पांच पर इस वीडियो में हमने एज ए कैप्टेंसी विकल्प के रूप में रखा है सुरेश रैना को। जी हाँ, चेन्नई की तरफ से रिपोर्ट आ चुकी है कि रैना रिटेन नहीं होंगे, क्योंकि चेन्नई को भविष्य की टीम बनानी है और रैना शायद उसमें फिट नहीं बैठते, शायद क्या 100% फिट नहीं बैठते, तो रैना रिटेन नहीं हो रहा है। अब यहां से रैना के पास विकल्प यही है कि वो या तो प्री पिक हो जाए या फिर नीलामी में चले जाए। प्री पिक होना उनके हाथ में नहीं है क्योंकि ये नई टीमें तय करेंगी। अच्छा, दो से तीन साल पहले जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लॉयंस की नई टीमें आई थी ना दो साल के लिए, उस समय गुजरात लॉयंस ने रैना को अपना कप्तान घोषित किया था। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि रैना इस बार भी नई टीमों की कप्तानी की दौड़ में ऊपर होंगे, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी है, अनुभव है, मिस्टर आईपीएल इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा रन थे शुरुआत में आईपीएल में बहुत सालों तक। हालांकि अब तो खैर विराट रोहित सब ओवरटेक कर चुके हैं, लेकिन स्टिल
जो रिपोर्ट्स हैं कि रैना भी वहां पर दावेदारी 100% तो नहीं 80% जरूर करेंगे। ये तो थे भाई नई टीमों के कप्तान के दावेदार। कमेंट बॉक्स में बताएं आपके हिसाब से किसे करना चाहिए किसे नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया तो भाई क्या कर रहे हो, कमेंट करो यार, बताओ अपनी राय। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।